हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो वैसे आज मैं कुछ इस तरीके का फोटो एडिट करने वाला हूँ। तो वैसे अगर आप चाहते हो इस टाइप का फोटो एडिट करने के लिए, तो हमारे वीडियो में बने रहना और वीडियो को मिस मत करना। और हाँ गाइस, अगर आप मंदिर में जाते हो तो मंदिर में जाने से पहले एक बार घंटे को जरूर बजाते हो। तो हमारे चैनल में एंट्री करने से पहले एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, उसके बाद इस घंटे को प्रेस करना गाइस हमारे चैनल में एंट्री करने से पहले। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, लेट्स गो। तो वैसे चलते हैं पिक्चर की तरफ और पिक्चर को कर लेते हैं ऑन। पिक्चर ऑन करने के बाद आप कैसे करना है, आपको उस प्लस आइकन में क्लिक कर लेनी है, उसके बाद ऑल फोटो पे क्लिक करना है, उसके बाद अपने फाइल में आ जानी है। ठीक है, तो चलते हैं अपने फाइल में। यहाँ से अपने फाइल में आ गया, उसके बाद क्या करना है, आपको ये वाली बैकग्राउंड ऐड कर लेनी है। ये वाली बैकग्राउंड जो मैं ऐड कर लिया हूँ। और क्या करना है गाइस, आपको यहाँ पे अपने ऐड फोटो में जाना है। अपने ऐड फोटो में जाने के बाद अपने फाइल में आ जानी है। अपनी फाइल में जाने के बाद क्या करना है, अपनी फोटो को यहाँ पे ऐड कर लेनी है। कुछ इस तरीके का अपनी फोटो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो या अलग ढंग से फोटो आप क्लिक करवा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं करके बता रहा हूँ कैसे आपको सेट करना है, क्या करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऐसे कुछ इस तरीके से सेट कर लेनी है। ठीक है, और सेट करने के बाद क्या करना है, आपको थोड़ा ऑपेसिटी को कम करना है, ताकि आपको पता चले कहाँ से कट करना है और कहाँ से नहीं। ठीक है, यहाँ से मैंने ऑपेसिटी को कम कर लिया है, यहाँ से मुझे पता चल रहा है। ठीक है, और फोटो को जूम कर लेंगे और देखेंगे कि कहाँ से हमको सेट करना है। तो मेरा फोटो जो यहाँ पे सेट होना चाहिए ऐसे कुछ इस तरीके से, हल्का सा मैं बैंड कर दूंगा ताकि लगे कि इसमें और हुआ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको सेट करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे इरेजर पे क्लिक करना है। और इरेजर पे क्लिक करने के बाद क्या करना है, आपको ये हार्ड इरेजर पे क्लिक करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको थोड़ा हार्डनेस को बढ़ा लेनी है और साइज़ को थोड़ा छोटा कर लेंगे। ठीक है, उसका फोटो को कट कर लेंगे जिस तरीके से। तो वैसे हमारा जो फोटो अच्छे तरीके से कट हो चुका है, तो यहाँ से कर लेते हैं डन। डन करने के बाद क्या करना है, तो ऑपेसिटी को बढ़ा देनी है। तो ऑपेसिटी को बढ़ाने के बाद जैसे देख सकते हो कि नीचे से यहाँ पे सेट हो चुका है फोटो हमारा। ठीक है, तो बहुत अच्छे से सेट हो चुका है, यहाँ से कर लेते हैं डन। और डन करने के बाद फिर क्या करना है, आपको जाना है ऐड फोटो में फिर से। और फोटो ऐड फोटो जाने के बाद अपनी फाइल में आ जानी है। अपनी फाइल में जाने के बाद आपको ये वाली हेयर स्टाइल ले लेनी है और दो ये वाली लाइट ले लेनी है। दो लाइट सेट कर लेते हैं, पहले सबसे पहले हेयर स्टाइल को यहाँ पे सेट कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से आपको सेट करना है, फोटो को जूम कर लेंगे और आपको यहाँ पे सेट कर लेना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा ऑपोसिटी को कम कर लेंगे, फिर थोड़ा छोटा कर लेंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। कुछ इस तरीके से आपको सेट करना है गाइस। ठीक है, यहाँ से मैंने सेट कर लिया। और क्या करना है, आपको थोड़ा इधर पे क्लिक करना है और फालतू पार्ट जो दिखा उसको मैं इरेज कर लूँगा यहाँ से। तो यहाँ से मैंने इरेज कर लेता हूँ गाइस, यहाँ से मैंने इरेज कर लिया। इरेज करने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको हार्डनेस को बढ़ा लेनी है। वैसे देख सकते हो अच्छे तरीके से यहाँ पे सेट हो चुका है। और क्या करना है, आपको ये लाइट को यहाँ पे सेट कर लेनी है। और क्या करना है, आपको जाना है ब्रांडिंग मोड में और यहाँ से कर लेनी स्क्रीन। और स्क्रीन करने के बाद यहाँ पे सेट कर देंगे फिर ये वाली लाइट को भी ब्रांडिंग मोड में जाकर स्क्रीन कर लेंगे और ये भी सेट कर लेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो वैसे हमारा जो फोटो अच्छे तरीके से यहाँ रेडी हो चुका है, तो यहाँ से कर लिया डन। और डन करने के बाद चलते हैं लाइटिंग की तरफ, वहाँ से कर लेते हैं कलर सेटिंग। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको जाना ड्रा टूल में। ड्रा टूल में जाने के बाद इस फोटो को सेव कर लेते हैं, टिन डॉट पर क्लिक करके सेव इमेज पर क्लिक करके सेव कर लेंगे। और चलते हैं लाइटिंग की तरफ। तो वैसे हमारा जो लाइट रूम ओपन हो चुका है, तो यहाँ से कर लेते हैं फोटो को अपने ऐड। तो ऐड करने के लिए करना, कुछ प्लस आइकन में क्लिक करना है और अपनी फोटो को कर लेनी यहाँ पे ऐड। तो हमारा फोटो खोल रहा है, यहाँ से कर लेते हैं हम ऐड। ऐड करने के बाद क्या करना है, आपको फोटो को क्लिक कर लेनी और क्लिक करने के बाद आपको फोटो यहाँ पे ओपन हो जाएगा बैकग्राउंड में, लाइट रूम में। ठीक है, आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पे लाइट पर क्लिक करना है, अपने यहाँ पे लाइट सेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, हाइलाइट को कम कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा तो शैडो को यहाँ बढ़ा देनी है। ठीक है, और थोड़ा वाइट बैलेंस को थोड़ा कम कर लेंगे। ठीक है, ब्लैक को थोड़ा बढ़ा देंगे, थोड़ा कम कर लेंगे। ठीक है, कुछ इस टाइप का। ठीक है, उसके बाद लाइट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और मिक्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे कलर सेटिंग कर लेते हैं। थोड़ा यू को यहाँ पे कम कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सैचुरेशन को यहाँ पे कर लेंगे, क्या थोड़ा सैचुरेशन को यहाँ पे हल्का सा कम कर देंगे। लुमियंस क्या करना है, लुमियंस हल्का सा बढ़ा देनी है। उसके बाद क्या करना है, आपको ब्लू टोन पे क्लिक करना है, थोड़ा आप यू को यहाँ पे कम कर देना, थोड़ा आपको सैचुरेशन को यहाँ पे बढ़ा देनी है, लुमियंस को आप यहाँ बढ़ा देना। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको इस पर क्लिक करना है और यू को आपको यहाँ पे थोड़ा बढ़ा देंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सैचुरेशन को भी थोड़ा दिखाते हैं, थोड़ा सैचुरेशन को यहाँ बढ़ा देंगे। ठीक है, उसके बाद लुमियंस को आप यहाँ पे थोड़ा डार्कनेस कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ा डार्कनेस कर लेते हैं गाइस। तो यहाँ पे कम कर दिया मैंने। उसके बाद क्या करना है, आपको इस पर येलो टोन पे क्लिक करना है, यू को थोड़ा सा आपको ऐसे कुछ बढ़ा सकते हो, तो यहाँ पे मैं कम कर लेता हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सैचुरेशन को आप यहाँ बढ़ा देना। ठीक है, उसके बाद थोड़ा लुमियंस को आप यहाँ कम बेसी कर सकते हो, तो यहाँ पे मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद ऑरेंज पे क्लिक करते हैं, थोड़ा यहाँ पे बढ़ा देते हैं ये लुमियंस को, और थोड़ा सैचुरेशन को यहाँ पे आप कुछ येलो टोन देने के लिए आपको यहाँ पे बढ़ा देनी है। यहाँ से कर लेते हैं डन। और डन करने के बाद क्या करना है, आपको थोड़ा वाइब्रेंस को यहाँ बढ़ा देनी है। ठीक है,
रेलेवेंस को बढ़ाने के बाद आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है, थोड़ा क्लैरिटी को बढ़ा लेनी है ताकि हमारा जो फोटो चमक आ जाए। उसके बाद थोड़ा वेबरेट को यहाँ पे कम कर देंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद क्या करना है, आपको उस पर क्लिक करना है और थोड़ा शार्पनेस को बढ़ा लेनी है, ठीक है। और शार्पनेस बढ़ाने का मतलब क्या होता है कि आपका फोटो क्लियर दिखता है और साफ दिखता है, ठीक है। और यहाँ पे फेस स्मूथ करने के लिए नॉइस पे आपको थोड़ा सा बढ़ा लेनी है। और क्या करना है, कलर नॉइस, तो यहाँ पे क्या करना है, कलर जो स्मूथ हो जाता है, जो फटाफट सा कलर दिखता है आपको यहाँ पे कलर जो स्मूथ हो जाएगा, तो इसको भी यहाँ पे थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो फोटो अच्छे तरीके से डन हो चुका है। तो कैसे आप देख सकते हैं हमारा जो फोटो कितने अच्छे से एडिट हो चुका है। तो कैसे इसको हमें सेव करने के लिए क्या करना है, आपको तीन डॉट पे क्लिक करना है। तीन डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको सेव टू डिवाइस पे क्लिक करके सेव कर लेनी है, आप ओके कर लेते हैं। तो हमारा जो फोटो सेव हो गया है, सेव हो रहा है फुल एचडी में। तो गाइस आशा करता हूँ कि वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना और साथ ही घंटे को ज़्यादा प्रेस करना ताकि मैं जब वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो गाइस फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। ओके गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।